मेरा नाम संभव जैन है। 17 तारीख 3 शुक्रवार को शाम को 8 बजे मुझे कुछ व्यक्तियों ने गोली मारकर अगवा कर लिया था और लगभग 3 घंटे के बाद मुझे सुनसान जगह पर फेंककर चले गए थे। मेरे परिवार ने उसी समय लुधियाना पुलिस से मदद मांगी, जिन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करवाने में मेरी मदद की और जल्दी इलाज शुरू करवा दिया गया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन उसी दिन से स्टार्ट हो गई थी। मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री कुलदीप चहल जी का तहे दिल से धन्यवादी हूँ, जिन्होंने खुद पर्सनली हॉस्पिटल में आकर मेरा हालचाल जाना और मुझे मेरी सिक्योरिटी का भी आश्वासन दिया और आश्वासन दिया कि दोषियों को जल्दी ही पकड़ा जाएगा। मैं लुधियाना पुलिस और पंजाब पुलिस का तहे दिल से धन्यवादी हूँ, जिन्होंने इतनी जल्दी एक्शन लेते हुए दोषियों को बनती सजा दी। धन्यवाद। मेरा नाम संभव जैन है। 17 तारीख 3 शुक्रवार को शाम को 8 बजे मुझे कुछ व्यक्तियों ने गोली मारकर अगवा कर लिया था और लगभग 3 घंटे के बाद मुझे सुनसान जगह पर फेंककर चले गए थे। मेरे परिवार ने उसी समय लुधियाना पुलिस से मदद मांगी, जिन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करवाने में मेरी मदद की और जल्दी इलाज शुरू करवा दिया गया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन उसी दिन से स्टार्ट हो गई थी। मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री कुलदीप चहल जी का तहे दिल से धन्यवादी हूँ, जिन्होंने खुद पर्सनली हॉस्पिटल में आकर मेरा हालचाल जाना और मुझे मेरी सिक्योरिटी का भी आश्वासन दिया और आश्वासन दिया कि दोषियों को जल्दी ही पकड़ा जाएगा। मैं लुधियाना पुलिस और पंजाब पुलिस का तहे दिल से धन्यवादी हूँ, जिन्होंने इतनी जल्दी एक्शन लेते हुए दोषियों को बनती सजा दी। धन्यवाद। मेरा नाम संभव जैन है। 17 तारीख 3 शुक्रवार को शाम को 8 बजे मुझे कुछ व्यक्तियों ने गोली मारकर अगवा कर लिया था और लगभग 3 घंटे के बाद मुझे सुनसान जगह पर फेंककर चले गए थे। मेरे परिवार ने उसी समय लुधियाना पुलिस से मदद मांगी, जिन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करवाने में मेरी मदद की और जल्दी इलाज शुरू करवा दिया गया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन उसी दिन से स्टार्ट हो गई थी। मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री कुलदीप चहल जी का तहे दिल से धन्यवादी हूँ, जिन्होंने खुद पर्सनली हॉस्पिटल में आकर मेरा हालचाल जाना और मुझे मेरी सिक्योरिटी का भी आश्वासन दिया और आश्वासन दिया कि दोषियों को जल्दी ही पकड़ा जाएगा। मैं लुधियाना पुलिस और पंजाब पुलिस का तहे दिल से धन्यवादी हूँ, जिन्होंने इतनी जल्दी एक्शन लेते हुए दोषियों को बनती सजा दी। धन्यवाद।